सर आज मेरे को आवाज पास है ठीक है, मैं जहाँ पीछे खड़ा हो रहा था इसका मुझे करना है। सर आज बैठक हुई महत्वपूर्ण, क्या निर्णय हुआ है? पीछे जाओ, पीछे जाओ, बड़ा आवाज नहीं आया, जितनी आ रही है जी। सर सर आज बैठक हुई, क्या निर्णय हुए हैं सर? आज कैबिनेट सेक्रेटरी महोदय द्वारा दिल्ली से ईसी की गई थी, सभी देश के मुख्य सचिव महोदय लोग थे, पूरे देश के कलेक्टर से एसपी डीआईजी साहब आए थे उसमें। उसमें जो एक क्या प्रोसेस अपनानी है, क्या वर्किंग करनी है, कैसे एरिया कंटेनमेंट करना है, किस प्रकार से जिस एरिया में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं कैसे उसके हर घर की मॉनिटरिंग करनी है, इसके बारे में आज भी चर्चा हुई है और काफ़ी डिटेलिंग बताया उसमें, टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी थे। और जिन शहरों में अच्छा कार्य किया गया जैसे आगरा हो गया, भीलवाड़ा हो गया और कुछ कुछ हद तक मुंबई कुछ केसेस थे, उसके बारे में भी वहाँ के अधिकारियों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया ताकि पूरे देश के कलेक्टर्स देख सकें उसको और किस प्रकार से उनको कार्य करना है फील्ड में जिससे रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। इन सबका मुख्य जहाँ भी सफलता मिली है उसमें ये पाया गया कि जहाँ सख्ती से कर्फ्यू लागू हुआ है वही सफलता मिल रही है। अगर कर्फ्यू में थोड़ा भी लापरवाही करती है जनता या प्रशासन लापरवाही करता है तो उस शहरों में रिलीफ नहीं मिल रहा, चीज़ें बढ़ रही हैं वहाँ पर। तो मैं आज जो हम लोगों को पूरा बताया गया देश के सफल मॉडल के बारे में बताया गया उसमें यही निर्देश मिले हैं ऊपर से कि आपको कर्फ्यू का सख्ती से पालन करना है और लोगों को बाहर नहीं निकलने देना है। मेन आज के जहाँ जहाँ ये हुआ है वहीं वहीं सफलता मिली है। जैसे भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में पहला केस आया उसके बाद इमिडिएटली वहाँ काफ़ी सख्ती की गई, अलग अलग लोगों को क्वारंटाइन किया गया तत्काल, जो एरिया में थे वहाँ के लोगों को रेगुलर मॉनिटरिंग में रखा गया और सख्ती से इन्फोर्समेंट किया गया कर्फ्यू का, इस कारण से फर्क नियंत्रित हुआ है भीलवाड़ा। तो इसी तारतम में अब यहाँ भी इंदौर में भी कर्फ्यू चल रहा है, पर यह है कि ये और सख्ती बढ़ेगी इसमें, मतलब आज डीआईजी साहब के थे हम लोग की चर्चा आपस में हुई है, इस शक्ति को और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आज सुबह कुछ जगह के क्षेत्रों में मैंने भी कंट्रोल रूम पुलिस कंट्रोल रूम बोला था, कहीं सब्जी बांटने वाले थे, अभी इसके लिए हम लोग अलग से जेल बना रहे हैं, उसको नोटिफाई करेंगे और जितने भी ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं उनको जब तक कर्फ्यू का ये संक्रमण का मामला चल रहा है तब तक उसी जगह रखा जाएगा, ये प्लान कर रहे हैं हम लोग। सर एक जो निजी अस्पताल नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कुछ, तीन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई? हम लोग वन टू वन बात करके डांट रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं। ग्रेजुअली धीरे धीरे सर्विसेज इम्प्रूव हो रही हैं, जो एक आज से 5-7 दिन पहले थोड़ा डर का भी माहौल था, धीरे धीरे चीज़ों को लोग अब ठीक होंगे बाहर निकल रहे हैं, तो अस्पताल के नीचे की टीम पे भी जो डर का माहौल था धीरे धीरे कम हो रहा है। बाकी भी मैं शहर में रहवासियों से अपील करूँगा, किसी को भी सांस सांस की तकलीफ है, इस तरह के लक्षण हो जाते हैं तो आप डिस्कस करिए डॉक्टर से, आप जाइए मिलिए बात करिए, स्पेशली कहिए अगर सांस लेने के सिम्टम्स आ रहे हैं, नहीं दिक्कत आ रही है, तत्काल अस्पताल हॉस्पिटलाइज होइए आप 10 दिन के अंदर ठीक होकर निकल जाएंगे। किंतु अगर इसमें विलंब हुआ तो एक लिमिट के बाद लंग्स डैमेज होते हैं इसमें, तो उसे तकलीफ हो सकती है। सर आज की क्या अपडेट अगर कहेंगे तो मरीजों की संख्या और जो इंदौर ज़िले की, क्योंकि कई कंफ्यूजन है इसमें, इसे लेकर मेडिकल कॉलेज से लेकर तो स्वास्थ्य विभाग का, तो अगर अपडेट की बात करें तो कितने मरीज, जो मेडिकल कॉलेज से बुलेटिन जारी हो रही है इसको ऑथेंटिक माने आप, भोपाल से बुलेटिन में कुछ एम्स से जानकारी गलत आ गई थी, पर जो भी डीन मेडिकल कॉलेज के वहाँ से बुलेटिन जारी हो रही है उन आंकड़ों को सही माना जाए। अभी कल तक 113 थे और अभी शायद कुछ 15-16 बढ़े हैं, अभी वायरल पॉजिटिव लिस्ट आ रही है हम लोगों के पास में, कल की टेस्टिंग में 90 करीब निगेटिव आए थे, पर अभी पॉजिटिव बढ़ेंगे ये, क्योंकि जितना लोग सख्ती से घर पर रहेंगे, जितना ही लोग पालन करेंगे कर्फ्यू का, तभी ये संख्या कम होगी। अब जितना निकल रहे हैं लोग, कुछ गलती जैसे आज भी सुबह गलती गई, आज शाम के लिए भी मैंने पुलिस को लिखित में ऑर्डर किया हुआ है कि अगर कहीं कोई उल्लंघन करता है आप वहाँ लोग गिरफ्तार करिए, लाठीचार्ज करना लाठीचार्ज करिए, किसी को भीड़ भी इकट्ठी नहीं होने देंगे हम लोग को। सख्ती से लाठीचार्ज करना पड़ा, शाम को लाठीचार्ज करेंगे हम लोग, अगर कोई व्यक्ति निकला और किसी ने वॉल्यूशन किया तो गिरफ्तार करेंगे उसको।